Hey, what's up you awesome guys, welcome back to another video. Guys, आज जो मैं वीडियो करने वाला हूँ वो वीडियो एक्चुअल में मैं नहीं करने वाला था, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है भाई। आज मैं करने जा रहा हूँ TVS Apache 164 BS6 2021 मॉडल का माइलेज टेस्ट। पे क्या है कि यहाँ पे कोई बोलेगा कि ये माइलेज मेरे को देता है, ये मैंने क्लीन किया है, वो क्लीन किया है, इसलिए मेरे को माइलेज अच्छा मिल रहा है। ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसलिए मैं ये माइलेज टेस्ट नहीं करना चाहता था, मगर क्या करें, आप लोगों का डिमांड है इसलिए करना ही पड़ेगा। तो आज हम करने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो एक्चुअल पे टॉपिक है ना, ये इतना सारे मेरे को सब्सक्राइबर बोले हैं ये करने के लिए कि क्या बोले, मतलब हर एक कमेंट में, मतलब जो मैंने एक्सेलरेशन टेस्ट किया है एंड जो मैंने हाई स्पीड भी टेस्ट किया है, उस पर भी काफ़ी लोगों ने मेरे को कमेंट किया है कि आप एक बार माइलेज टेस्ट करो। तो अभी जा रहा है हम लोग पेट्रोल पंप, उसके बाद वहाँ पे फुल टैंक पेट्रोल भरवाएंगे, उसके बाद मैं 40 किलोमीटर तक चलाऊँगा, उसके बाद फिर से आके पेट्रोल भरवाऊँगा एंड देखेंगे कितना माइलेज हम लोगों को मिलता है, यही है। मगर एक चीज़ खास है इस पर, तो क्या चीज़ खास है मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। तो जल्दी से करते हैं वीडियो को शूट। यू आर वॉचिंग राइज़न राइड, आई एम योर फ्रेंड शुभ ब्रो, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस अभी सीधे जाएंगे हम लोग पेट्रोल पंप, वहाँ पे फुल टैंक पेट्रोल उठाएंगे, उसके बाद जाएंगे राइड पे। राइड पे मतलब टेस्ट करने पे, ठीक है। क्या चीज़ थोड़ा सा हटके होगा मैं आपको अभी बताते हैं, पहले पेट्रोल भरवा लेते हैं। फुल टैंक कर दो, एकदम देखो एखान पर्यंत कर, ठीक है। देखिए गाइस यहाँ तक पेट्रोल भरवाए हैं, ठीक है, फिर आके टेस्ट करके फिर से भरवाएंगे। देखिए गाइस अभी 8.41 लीटर का मैंने फुल टैंक करवाया है, ठीक है। माइलेज टेस्ट करने के आने के बाद फिर से करेंगे, अभी थोड़ा सा प्रेशर भी चेक कर लेते हैं, उसके बाद मैं यहाँ पे ट्रिप मीटर को ज़ीरो कर दूँगा, ठीक है। गाइस अभी थोड़ा सा हवा दे रहे हैं, एकदम हवा लूज़ हो गया था, एंड अगर आपकी गाड़ी पे हवा कम है तब जाके ना आपको माइलेज भी कम मिलता है। मैं फ्रंट में 27 देता हूँ एंड रियर पे 35 यूज़ करता हूँ। तो इसके बाद टेस्ट शुरू करेंगे। चलिए गाइस हवा तो दे दिया है, अब मैं जो ट्रिप मीटर है ट्रिप वन को ज़ीरो कर देता हूँ। तो मैं देखिए ट्रिप वन पे 602 हो के रखा है, मैं इसको कर देता हूँ ज़ीरो, ठीक है। ट्रिप वन मैंने ज़ीरो कर दिया है, ठीक है। अभी हम लोग चलाएंगे, फुल टैंक पेट्रोल है, अभी हम लोग चलाएंगे 40 किलोमीटर और 45 किलोमीटर जो भी हो, उसके बाद आके फिर से तेल भरवाएंगे एंड चेक करेंगे कि इसका माइलेज कितना निकल के आता है। अच्छा, जो चीज़ मैं अभी थोड़ा सा हटके करने वाला हूँ वो है कि मैं जो गाड़ी का स्पीड है वो 80 से 110 के अंदर मेंटेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। उसके बाद जाके आपको बोलूँगा कि इसका माइलेज कितना निकालता है। तो गाइस हमने जर्नी स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अभी तो थोड़ा ट्रैफिक है, हाईवे पे जाने के बाद हम लोग 80 से 110 के अंदर जो स्पीड है वो मेंटेन करेंगे एंड देखेंगे कि इससे माइलेज कितना निकलता है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन आया है इस रिगार्डिंग कि इसके मतलब सिटी पे जैसे चलते हैं एंड हाई स्पीड पे इसका जो माइलेज है घट जाता है।
मे बी हाई आरपीएम की वजह से और कुछ भी है, हाई पावर की वजह से जो भी है, तो इसका जो ये है परफॉर्मेंस है गिर जाता है माइलेज टेस्ट। तो आज मैं वो वाला टेस्ट करूँगा, जैसे हाई स्पीड पे ये गाड़ी कितना माइलेज आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, नॉर्मल पे इस पे जो स्पीड आता है, जो नॉर्मल 40 और 45, आप अगर 50 तक ले लीजिए, अगर 50 तक चलाते हैं और इसका जो माइलेज आता है वो 50 से 60, अगर स्पीड अगर आप प्रॉपरली मेंटेन करोगे और ज़्यादा रेव नहीं करोगे, एकदम स्टेडी बाइक चलाओगे, दैट टाइम यू विल गेट अराउंड 44-43 अराउंड यू एट द टाइम व्हेन यू जस्ट रेविंग योर बाइक, दैट टाइम दिस बाइक गिव्स अ लिटिल बिट लेस माइलेज। वो कितना लेस देता है वो आज हम लोग टेस्ट करेंगे, क्योंकि जब हम लोग जब मेरे को खुद को मिला है, अगर मैं सिटी पर राइड करता हूँ एंड स्टेबल बाइक चलाता हूँ, दैट टाइम आई विल गेट दिस काइंड ऑफ माइलेज 44-43 माइलेज। बट देखते हैं हाईवे पे भगा के देखते हैं थोड़ा सा कितना माइलेज अप देते हैं। गाइस एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आज थोड़ा सा साउंड का दिक्कत हो सकता है, क्योंकि मेरा न्यू हेलमेट है, आप लोगों को पता ही है, और जो न्यू हेलमेट का रिव्यू है वो भी आप मैंने आई बटन में दे दूंगा, ऊपर जाके आप लोग चेक कर सकते हो एंड बताओ कि वो वीडियो कैसे बना है, हेलमेट कैसे हुआ है और गाड़ी के साथ मैच कर रहा है कि नहीं। जो माइक सेटअप भी लिया है, नया वाला माइक सेटअप लिया है, तो थोड़ा सा साउंड में इशू हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो से उतना इशू आपको फेस करना नहीं पड़ेगा। देखते हैं, मुझे पता नहीं, ये नया सेटअप से आज ही पहली बार शूट कर रहा हूँ, तो देखते हैं कैसे साउंड निकल के आता है। रास्ते पे क्राउड देख रहे हो भाई, गाड़ी का लंबा लाइन लगता है इस रूट पे। एक सौ पांच 12 किलोमीटर ऑलरेडी मेरा चल चुका है। ठीक है, चलिए, मेरा इच्छा था कि 20 किलोमीटर जाएंगे एंड 20 किलोमीटर बैक आएंगे, मगर 20 किलोमीटर नहीं करते, 25 किलोमीटर करते हैं, तो 25 किलोमीटर जाने 50 किलोमीटर हो जाएगा, तो देखते हैं उस पे क्या क्या माइलेज हम लोगों को मिलता है। ठीक है, चलिए गाइस, यहाँ पे थोड़ा खींचते हैं, पूरा लॉन्ग स्ट्रेच मिला है तो थोड़ा खींचते हैं, 110 से भी ऊपर जाएगा। ठीक है, मेरा गाड़ी अभी 30 किलोमीटर तक चल चुका है, अब थोड़ा सा स्ट्रेच मिला है, खींचते हैं, चलो। गाइस 42 किलोमीटर हो चुका है, अभी देखते हैं, और भी थोड़ा सा स्ट्रेच बाकी है। तो गाइस बारिश की वजह से मेरे को शूट बंद करना पड़ा था, क्योंकि मैं मोबाइल से शूट करता हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो अभी मेरा जर्नी ख़त्म ही होने वाला है एंड जस्ट ये क्रॉसिंग के बाद ही मेरा पेट्रोल पंप आ जाएगा। एंड अभी तक आप लोग देखिए 50.6 किलोमीटर तक रन हुआ है, देखेंगे वहाँ पे जाके कितना होता है, कितना रन होता है, उसके बाद फिर से पेट्रोल भरवाएंगे एंड देखेंगे, चेक करेंगे इसका माइलेज कितना मिला हम लोगों को। ठीक है, तो अपना पेट्रोल पंप आ गया है, अभी तक हम लोगों का 50.8 हुआ है एंड उसी दादा के पास से फ्यूल भरवाएंगे,
उसी दादा के पास से फ्यूल भरवाएंगे। चलो तो गाइस देखिए अभी 50.8 किलोमीटर हुआ है, ठीक है। अब मैं फिर से पेट्रोल भरवा रहा हूँ, फुल टैंक करवाऊँगा दादा के पास से करवाऊँगा, फुल टैंक जीरो, ठीक है, एकदम ओखान पर्यंत, हाँ एकदम ओखान पर्यंत करब। देखिए गाइस पेट्रोल का लेवल चेक आइए, चलो अब देखते हैं कितने रुपए का पेट्रोल आया है। तो गाइस अभी देख रहे हो ये बिल आपको शायद ठीक तरह से दिखाई नहीं देगा, मैं स्क्रीन पे इसका फ़ोटो उठा के लगा दूंगा और पहले वाला जो बिल है वहाँ पे भी फ़ोटो उठा के लगा दूंगा। एंड देखिए कि अभी 1.22 लीटर का भी मेरे को पेट्रोल उठाना पड़ा है, ठीक है। इसके हिसाब से जो माइलेज देता है वो है 41.63 का माइलेज आपको मिलता है। एंड जो कैलकुलेशन मैंने किया है वो भी आपको स्क्रीन पे रिकॉर्ड करके, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखा दूंगा, क्योंकि मैं मोबाइल से शूट करता हूँ आप लोगों को पता ही है, एंड मोबाइल पे कैलकुलेटर पे काम को हो रहा है तो एक साथ वीडियो नहीं चलता है, इसके लिए मैं वो स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको साइड पे दिखा दूंगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। सॉरी गाइस तभी वीडियो को बंद करना पड़ा था क्योंकि बहुत ज़ोर से बारिश आ गया है, इसलिए मेरे को वीडियो शूट बंद करना पड़ा। जैसे ही आप लोगों जानते ही हो मैं मोबाइल से शूट करता हूँ तो मोबाइल ख़राब हो जाएगा, इसलिए मेरे को शूट बंद करना पड़ा है। भाई जो रिजल्ट निकल के आया है कि अगर आप लोग 110 और 120 इतना भी चलाओ, मतलब 80 से लेके, अगर मैंने कोशिश किया है मैक्स टू मैक्स टाइम पे 80 से 110 के बीच में मेंटेन करने के लिए, ठीक है। टेस्ट जो था वो हाई स्पीड पे माइलेज टेस्ट था। कभी कभी क्या कर रहा था मैं कि किस किस जगह पे मेरे को लो स्पीड पे भी चलाना पड़ रहा था, 50 40 पे भी चलाना पड़ रहा था क्योंकि बहुत क्राउड था रास्ते पे, इसलिए कभी कभी जहाँ पे लॉन्ग स्टेज मिल रहा था मेरे को 120 पे भी मैंने चलाया। तो अगर एवरेज करेंगे तो निकल के आएगा वो 80 से 110 ही एवरेज निकल के आएगा। तो जो माइलेज देता है इस स्पीड पे वो है 41.63। आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हो कि वहाँ पे आप लोगों को माइलेज मिलता है 41.63, जो कि काफ़ी सही है। अगर आप लोग बहुत सारे कमेंट करोगे तो मैं सिटी पे भी एक बार चला के एक माइलेज टेस्ट कर दूंगा आप लोगों के लिए। तो बस ये वीडियो पे इतना ही तक। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। जल्दी मिलते कोई नया वीडियो पर, नया टॉपिक पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।